ले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं दीपा जोशी सुखी ढंग से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपा जोशी पहाड़ी चली में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक है। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं 12 बजे से कर रही हूँ। अभी खाना पीना बन गया है क्योंकि आजकल मेहमान भी आए हैं, घर का काम भी चल रहा है। तो वैसे तो कल ही आए थे बुबू लोग, 2-3 दिन रुकने वाले थे लेकिन अभी नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि उनको आगरा जाना है। तो छोटा हार्दिक आया है तो उसकी उनकी दीदी आगरा रहती है तो उनको ज़रूरी जाना हो रहा है। अभी तो वो जा रहे हैं आज और फिर आते टाइम रुकेंगे यहाँ पर। तो मम्मी ने बना दिया है खाना, मैं तो अभी घर का काम कर रही थी, नहाना धोना भी लेट से ही हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब खाने में क्या बना रखा है करके। पैकिंग हो गई है, ये देखो 2 बैग ले जा रहे हैं, एक इसको एक इसको आगरा के लिए। काम तो नॉर्मली छोटा मोटा हो गया है और बुबू जी लोगों की भी तैयारी चली है क्योंकि इनको जाना है सनकपुर से बस में। ये देखो ये लाने लग गई हैं अंदर से और काम भी चला हुआ है। पापा लोग सभी लगे हैं अपने अपने कामों में। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, इन लोगों को विदा करते हैं यहाँ से। मान ही नहीं रहे हैं, कितने बहाने बना दिए हम लोगों ने इनसे, यहाँ रुको 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 करके बिदरा बन जाने की हो रही है इनको। गांव से भी चला है, मैं भी जाने वाली थी लेकिन मैं घर में व्यस्तता है इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं, हो सकता है इसी महीने जाऊँ। जब भी जाऊँ तो आगरा का किला, बिदरा में यहाँ यहाँ सब घूमना है। अभी ये लोग जा रहे हैं, वो तो मैंने डाल दिया सामान सारा यहीं आला है और इन्हीं के कुछ भी नहीं है। ऐसी चली है तैयारी। चाय शाम की चाय अब कल आगरा ही पियेंगे, तभी तो फिर यही बार वहाँ रास्ते में पिला देना बुबू को। ये हार्दिक ओली कर रहे हैं अपनी इच्छा पूरी। मैं नहीं पीती ना, हर्षित जोशी नहीं गाड़ी में ही है। टनकपुर की सीधी रोड में इस गाड़ी में बोल आगरा ले जाता हूँ बुबू को। बहुत तुम कहते बैल गाड़ी में ले जाओ इस बार। ये देखो थोड़ी देर चाय में चर्चा हो रही है, सभी लोग बैठे हैं, मम्मी। तो गाइज मैं आपको बता दूं हमारे राहुल भैया भी जा रहे हैं। क्यों तुम तो पेपर देने जा रहे हो? पेपर इसलिए जा रहे हैं, हाँ कल आ जाएंगे। चलो चलो इतना कह रहे हैं, चलो घूम आओगे। मैं आऊंगी अब। देखो मम्मी झोला पकड़ के जाने लग गया आगे आगे। मैं ले जा रही हूँ इसको नीचे, ये जा रहे हैं पहुँचाने। रोड में पहुँचाने जा रहे हैं बैग, कपड़े का है ये। तो कपड़े कपड़े हैं इसमें, नई सीढ़ियों से निकल रहे हैं हम नीचे को। काम करते हुए देखोगे नहीं ना, उसमें बैठ गए हैं बूबू और हजवैन जी, पहुंचाने जा रहे हैं। और ये हमारे राहुल भैया जा रहे हैं लोहाघाट को, कल इनका पेपर है तो इसमें चले जाएंगे। कंचू लोग नीचे तक पहुंचाएंगे हाईवे तक। ठीक है फिर राहुल भैया।
फाइनली आज मैं कई दिनों वाल यानी दो हफ्ते तो हो गए होंगे मैं आ गई हूँ अपने छाना में। आजकल इतनी व्यस्तता हो रही है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि शाम को उठाने जा रहे हैं हम तेज़पत्ता एक दूसरे के घर में। तेज़पत्ते का काम हो रहा है आजकल और घर में चला है काम दिन में। तो मम्मी आज तेज़पत्ते को भर रही हैं बोरी में, सूखा सूखा हुआ तेज़पत्ता। तो मैंने सोचा फटाफट घास मैं ही काट के लाती हूँ। बुबू जी लोग चले गए हैं आगरा को, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे जब 20 दिन बाद आएंगे, तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैं तब गए हैं, 20 दिन बाद आएंगे, फिर यहीं आएंगे एक दो दिन जो भी रहेंगे, 2-4 दिन। मैं भी जाने वाली थी लेकिन घर की व्यस्तता के कारण मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई। और अभी मैं जाती हूँ घास काटने, देखती हूँ क्या काटती हूँ करके, क्योंकि आजकल मैं गई नहीं हूँ नीचे तक। जा रही थी घास काटने, ये देखो यहाँ पर आमा लोग सभी दीदी लोग उठा रहे हैं तेज पत्ता, नए मकान की शुरुआत कर रहे हैं तेज पत्ता से। ये हमने मसूर लगाया था, जंगली जानवरों ने सब खा दिया, कुछ लगाने जैसा ही नहीं हुआ। ये देखो इतना बड़ा खेत था यहाँ पर, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है इसमें घास। ऊपर ताई लोगों का घास है तो मैं वहाँ से काट ले जाती हूँ, ताई ने बोला था काट लेना करके, तो ऊपर चलती हूँ मैं। थोड़ा बहुत तो काट दिया है मैंने, लागी हूँ अब इसको साफ सुफ करके ले जाती हूँ घर को। शाम हो गई है, ये हल्की हल्की सा मतलब उजाला रहा है हल्का हल्का सा। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, हस्बैंड जी भी आए हैं, मैं तो गोबर फेंकने आई थी, वो पानी डाल रहे हैं यहाँ पर ये सब्जी में। मैंने मूली भी ये निकाल ली है, मूली भी ले जा रही हूँ घर को। तो हमारा डॉगी भी आया, मैं दिखाती हूँ यहाँ का शाम का नज़ारा आपको।